Hello friends, you are most welcome in my channel Skill Learning. Today's lesson is Barriers and Direct and Inverse Proportion. मैं आज आपको Direct and Inverse Proportion से related question कराऊंगी जो कि हमारी Composite Math Written by S.K. गुप्ता की जो book है Math की उसमें exercise 10 से chapter 10 से related हैं जो questions वो कराऊंगी. तो चलिए देखते हैं ये डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है. सबसे पहले हम शुरू करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन से, फिर मैं आपको इनडायरेक्ट वेरिएशन बताऊंगी या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बताऊंगी. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. तो चलिए देखते हैं, देखिए मैं आपको सबसे पहले इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट है जो इसका बुक क्लियर करूंगी. ये देखिए डायरेक्ट जो वेरिएशन है उसमें होता क्या है. मान लीजिए आप चार पेन 4 रुपए की लेके आए हैं या 4 रुपए की 8 पेन लेके आए हैं. 4 रुपए की 8 पेन लेकर आए हैं तो आप 5 रुपए की कितनी पेन लेकर आएंगे. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे डायरेक्ट वेरिएशन में. आप देख रहे हैं 4 रुपए की 8 पेन आ रही है हमारी, तो 5 रुपए की ऑब्वियसली सी बात है 10 पेन आएंगी, 10 पेन आएंगी. तो हमने ये किया कैसे, देखिए यहाँ पर रुपए बढ़ने पर क्वांटिटी बढ़ेगी. 4 रुपए की 8 पेन आ रही है तो 5 रुपए की 10 पेन आएंगी. रुपए बढ़े और क्वांटिटी भी बढ़ी तो इसका मतलब हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है. हम यहाँ पर एक्स मानेंगे और ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन वाला क्वेश्चन हो जाएगा. जब 4 रुपए की 8 पेन आ रही है तो ऑब्वियसली है 5 रुपए की 10 पेन आएंगी. इसको सॉल्यूशन करने का तरीका मैं अभी आपको बताऊंगी. अब देखिए इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा. मान लीजिए 26 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, एक्स दिन में करेंगे. यहाँ देखिए जब 26 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं तो 20 आदमी ज़्यादा दिन में करेंगे, यानी कि जो आदमियों के नंबर कम हुए तो दिनों के नंबर बढ़े. सपोज कर लेते हैं इसका आंसर आया हमारा 12. 26 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं तो 20 आदमी हमारे 12 दिन में कर रहे हैं. मतलब आदमी तो कम होते जा रहे हैं लेकिन दिन बढ़ते जा रहे हैं. तो ये क्वेश्चन उल्टा हो रहा है. मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है. ठीक है, जब भी सीधी सीधी बात कही जाए किसी में, मान लीजिए यहाँ पर आदमी के नंबर बढ़ने के साथ दिनों के नंबर भी बढ़ते तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन होता यहाँ पर. लेकिन आदमियों के नंबर कम हो रहे हैं और दिनों के नंबर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर उल्टा हो रहा है. आदमियों के नंबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन दिनों के नंबर कम हो रहे हैं. 26 आदमी तो 10 दिन में कर लेते हैं, 20 आदमी 12 दिन में कर लेते हैं. मतलब दोनों जो क्वांटिटीज हैं, दोनों जो बातें हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं तो यहाँ पर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा. और यहाँ पर दोनों जो बातें हैं एक दूसरे के अपोजिट नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन होगा. यहाँ पर 4 आदमी 8 दिन में काम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है 5 आदमी 10 दिन में करेंगे. हो गए, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में 4 आदमी अगर 4 रुपये में अगर 10 पेन आ रही हैं तो अगर 5 रुपये में 8 पेन आने लगी तो वो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. ये समझ लीजिए अगर दोनों काम उल्टे हो रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट, दोनों काम सीधे हो रहे हैं. या अगर एक क्वांटिटी बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है तो वो डायरेक्ट वेरिएशन होगा. एक क्वांटिटी बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है तो वो इनडायरेक्ट वेरिएशन होगा. चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपकी 10 एक्सरसाइज में दे रखे हैं. चलिए हम पहले एक क्वेश्चन करने से पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं आपकी ही बुक का है, जिससे कि आपको जो डायरेक्ट वेरिएशन है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा. इफ 15 बुक्स कॉस्ट 70 रुपीज, अगर 15 बुक्स की कॉस्ट 70 रुपीज है हाउ मच विल बी 12 बुक्स कॉस्ट. तो 12 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी. आप देख रहे हैं 15 की जब 70 है, अगर 15 बुक्स की कॉस्ट 70, अगर आप कई बुक लेने जाते हैं और अगर शॉपकीपर बोलता है कि 15 बुक्स आपको 70 रुपीज़ में मिलेंगी तो आपको ये जानना होगा कि अगर आपको 12 बुक्स लेनी है तो आप
तुरंत अंदाजा लगा लेंगे कि वो कम ही रुपए में आएंगी, ठीक है? क्योंकि 12 बुक्स हैं, जब बुक्स कम हो रही हैं तो उनके रुपए अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो आपको पता चला कि ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में है, हम इसे डायरेक्ट वेरिएशन की तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब पहले आप ये देखिए आप कि आप डायरेक्ट वेरिएशन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये बुक्स दे रखी है और कॉस्ट, हमारे इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीज़ें दे रखी हैं, बुक की कॉस्ट दे रखी है। तो हमारा एक है बुक और दूसरी है हमारी कॉस्ट। बुक के नीचे हमें बुक की लिखनी है सारी बातें और कॉस्ट के नीचे हमें कॉस्ट की सारी बातें लिखनी है। 15 बुक्स कॉस्ट, 15 बुक्स की कॉस्ट क्या है हमारी? 70 रुपीज़। तो 12 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी हमें निकालना है। जो भी हमें चीज़ निकालनी होती है या फाइंड करनी होती है, हम उसे एक्स मान लेते हैं, हमने एक्स मान लिया। अब देखिए डायरेक्ट वेरिएशन में आपको करना क्या है, आपको इन दोनों का कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए डायरेक्ट वेरिएशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कई सारी ट्रिक्स हैं, मैंने आपको सिर्फ अभी क्रॉस मल्टीप्लाई वाली ट्रिक सिखाई है, तो आप बस वही सीखिए, उससे बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 15 का एक्स में और 12 का 70 में। तो अब सॉल्व करते हैं हम, 50 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाई 12। अब देखिए यहाँ ये एक्स है, ये हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सॉरी ये हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के पास जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 15 अपॉन में, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर अपॉन में हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ये देखिए जो 12 और 15 दोनों हैं, दोनों ही हमारे 3 की टेल में आ रहे हैं, 3 4 12, 3 5 15, और ये यहाँ 0 है या 5 है, तो ये दोनों 5 की टेबल में आ रहे हैं, 5 5 2 रिमाइंडर, 5 4 20। तो 14 मल्टीप्लाई बाई 4, आंसर क्या आ गया हमारा? 56 रुपीज़। तो x की वैल्यू क्या है? 56 रुपीज़। यानी कि जो 12 बुक्स लेकर आओगे अगर आप, तो वो 56 रुपीज़ की आएंगी। यानी कि अगर बुक के नंबर ज़्यादा हैं तो रुपए भी ज़्यादा होंगे, बुक के नंबर कम है तो रुपए भी कम होंगे। यानी कि इन दोनों का रेशियो सेम ही है, बढ़ने पे बढ़ रहा है, घटने पे घट रहा है। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन हुआ और इसे हम डायरेक्ट प्रपोर्शन के फॉर्मूले से ही हमने ये सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया 56। अब आप देखेंगे आपकी बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि 10A में है। चलिए 10A का अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आगे ऊपर कुछ हेडिंग्स ही दे रखी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली, इन सब में एक्स और वाई एक दूसरे के डायरेक्टली हैं, यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में दे रखे हैं। फॉर ईच डायरेक्ट वेरिएशन, इन में से हर डायरेक्ट वेरिएशन के लिए स्टेट द कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, हमें इन वेरिएशन का कॉन्स्टेंट निकालना है। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में हमसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि हमें कॉन्स्टेंट निकाल के दीजिए। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी बताया गया है कि ये सब डायरेक्टली प्रपोर्शन में है और कुछ एक दो हैं जो डायरेक्टली प्रपोर्शन में नहीं भी हैं। सिर्फ एक्स और वाई के बारे में बात की गई है कि जो एक्स और जो वाई है वही डायरेक्टली प्रपोर्शन में होने चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्स्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाई है, ये एक्स है, तो हमें जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसे पास में लाना पड़ेगा, तो बाई अपॉन एक्स आ जाएगा हमारा यहाँ पर इक्वल टू 8। अब देखिए बाई अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी आ रही है 8, मतलब कि यहाँ बाई अपॉन एक्स वेरिएशन में थे और हमने बाई अपॉन एक्स को मान लिया k, बाई अपॉन एक्स इक्वल टू k इक्वल टू 8, मतलब बाई अपॉन एक्स को 8 माना, तो यानी k माना, तो बाई अपॉन एक्स की वैल्यू 8 आ रही है, तो k की भी वैल्यू 8 आएगी। यही आपके आंसर शीट में दे रखा होगा, आई थिंक, मेरे पास आंसर शीट नहीं है। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है, बाई इक्वल टू 3/4x। अब बताना है कि ये इसमें हम कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं या नहीं, ये वेरिएशन में है, अगर है तो हम कॉन्स्टेंट आसानी से निकाल लेंगे। देखिए ये बाई है इक्वल के उधर 3/4x है, तो x हमारा बाई के साथ ही आएगा। तो मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में बताया था कि हम k बाई अपॉन x की वैल्यू को ही मान सकते हैं, आप चाहें तो उसे k माने, p माने या कुछ और माने, x माने, y जाने, z माने, हम यहाँ पे x y नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे y और x ऑलरेडी दे रखा है। आप कॉन्स्टेंट तो अपने मन से किसी भी वैल्यू को, किसी भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मान सकते हैं,
तो देखिए ये बाई है, ये एक्स है, एक्स हमारा बाई के साथ आएगा, तो बाई अपॉन एक्स इक्वल टू 3/4। मैंने आपको बताया बाई अपॉन एक्स की वैल्यू हमेशा के लिखनी है, तो इसकी वैल्यू के की वैल्यू आ रही है हमारी 3/4, यानी कि इस ये भी हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में है क्योंकि इसमें भी हमारी के की वैल्यू निकल के आ रही है। ये वाला देखिए एक्स वाई इक्वल टू 5, मैंने आपको सिर्फ बताया है बाई अपॉन एक्स की वैल्यू को ही हम कांस्टेंट मान सकते हैं। क्या एक्स वाई की वैल्यू को कांस्टेंट मान सकते हैं? नहीं। तो ये हमारा वेरिएशन में नहीं है, तो ये हमारा सॉल्व नहीं होगा, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इट इज़ नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का, बाई इक्वल टू 3 अपॉन एक्स। यहाँ देखिए ये एक्स है, 3/x है, एक्स यहाँ जाएगा तो बाई एक्स हो जाएगा, बाई एक्स इजिकल टू 3। यहाँ पे भी वेरिएशन में नहीं आ रहा है हमारा, क्योंकि k की वैल्यू बाई अपॉन एक्स होती है, हमारी बाई अपॉन एक्स निकल के ही नहीं आ रही, तो हम k की वैल्यू नहीं निकाल सकते। और इस वाले क्वेश्चन में हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि आप कॉन्स्टेंट निकाल के दीजिए, इनमें से कुछ वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन है और जो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है उनका कॉन्स्टेंट नहीं निकल सकता। बाई अपॉन एक्स की वैल्यू k होती है, यहाँ पर अगर बाई अपॉन एक्स नहीं निकल के आ रहा है तो हम k की वैल्यू भी निकाल सकते नहीं निकाल सकते, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब आगे अगला देखिए, बाई प्लस 4x इक्वल टू 0, ये भी वेरिएशन में नहीं है हमारा। बाई इक्वल देखते हैं हो सकता है क्या वेरिएशन में, बाई इक्वल टू 0 माइनस 4x, ठीक है ये प्लस में इधर आके माइनस में तो हो ही जाएगा। बाई इज इक्वल टू माइनस के 4x, एक्स की वैल्यू अगर हम नीचे ले आए तो ये हो जाएगा बाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस के 4। हम एक बार को यहाँ पे मान सकते हैं कि k की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है, क्योंकि बाई अपॉन एक्स की वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी हमने देखा था कि आ रही है, तो हमारी k की वैल्यू निकल के आ रही है। एक बार को हम मान सकते हैं कि ये वेरिएशन में हो सकता है। अब देखिए ये वाला, आप अगर इस वाले क्वेश्चन को इस वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे तो ये वेरिएशन में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल के उधर वन है और फिर यहाँ पर वन प्लस 3x हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी अपॉन में नहीं आ सकता है और ये वेरिएशन में नहीं हो पाएगा, यानी कि इसमें कांस्टेंट भी नहीं निकाल सकते हम, बाई अपॉन एक्स की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये डायरेक्टली वेरिएशन नहीं है और एक के की वैल्यू भी हम नहीं निकाल सकते हैं। अब चलिए इसके अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये बताना है कि यहाँ एक्स और बाई की वैल्यू आ सकती है क्या, और ये सारे आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं है। यहाँ देखिए, आप देखिए पहले एक्स अपॉन बाई की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, वन अपॉन माइनस के 5। एक्स अपॉन बाई की वैल्यू हम सामने सामने देखते हैं, वन अपॉन माइनस के 5 आ रही है। अब चलिए इसका इसके साथ लगाते हैं, ये टेबल के अलग अलग लेते हैं। एक्स अपॉन बाई की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 2/-10, यहाँ कट किया तो 1, 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10, तो यहाँ पे भी 1/-5 आ रही है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में एक्स अपॉन बाई, इसके साथ डायरेक्ट वेरिएशन में, इसके साथ भी डायरेक्ट वेरिएशन में है, और एक्स अपॉन बाई इक्वल टू 3/-15, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट वेरिएशन में आ गई है। अगला देखिए, एक्स अपॉन बाई इक्वल टू 4/-20, 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, तो -1/5 या 1/-5, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो ये टोटली ये क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में है। हम यहाँ लिखेंगे कि दिस इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका होमवर्क है, वो आप घर पे खुद करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी बताऊंगी। अब चलिए 9 पे चलते हैं। ये रहा 9 क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है द हाइट टू विच अ बैलून विद हाइड्रोजन गैस राइजेस इन द एयर वेरियस डायरेक्टली इट्स टाइम। इसका मीन्स ये हुआ कि वो हाइट जिस पर बैलून एयर में उड़ रहा है, जो कि हाइड्रोजन गैस का है, वो हाइट इसके टाइम के वेरियस है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि एक हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ बैलून है जो कि हवा में उड़ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है,
तो जो हाइट है वो उसकी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जो बैलून के ऊपर उड़ने की हाइट है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब देखिए इसके आगे है, गिवन बिलो आर सम ऑब्जर्वेशन। नीचे कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, यानी कि कुछ ऑब्जर्व किया तो वो दे रखा है अबाउट द टाइम एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। किस चीज़ की ऑब्जर्वेशन है ये? टाइम की और हाइट की, ठीक है। ऑफ द वैल्यू एंड फाइंड द मिसिंग टर्म इन द टेबल। ये सारे जो मिसिंग टर्म है इन्हें फाइंड करना है। तो यहाँ पर टाइम और हाइट की ऑब्जर्वेशन दे रखी है। इसमें से एक ऑब्जर्वेशन ऐसी है जो पूरी कंप्लीट है। अब इस एक कंप्लीट ऑब्जर्वेशन को लेकर हम इन सब वैल्यूज को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर टाइम और हाइट का हमारा रेशियो क्या है। टाइम और हाइट को मैं टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ शॉर्ट के लिए, एच को हाइट से आप पूरा लिखिएगा। इसका जो कंप्लीट रेशियो हमारा यही आ रहा है 4/48। अब पहले हम इस रेशियो को सॉल्व करेंगे क्योंकि कंप्लीट में हमारा यही है, बाकी सब हमारे कंप्लीट में नहीं है, हम उन्हें इतनी जल्दी इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। इसका रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं। निकालिए 4 1 4 4 1 4 4 2 8, और यहाँ पर टाइम और हाइट का रेशियो आया 1:12। हाइट मीटर में दे रखी है, ऊपर क्वेश्चन में बोल रखा है जो बैलून की हाइट है मीटर में बढ़ रही है। अब हमारा टाइम और हाइट का रेशियो आ गया है 1/12। अब इसी रेशियो को लेकर हम इन सब की निकालेंगे। 1/12 इक्वल टू 3/फिलअप। यहाँ आप एक्स मान लीजिए। अब क्योंकि आपको पता है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो आप इसको डायरेक्ट वेरिएशन की तरह सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, हम वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स बन जाए एक्स और 12 3 जाए 36, यानी कि हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 36। तो हम यहाँ पुट कर देंगे 36, यहाँ पर आएगा हमारा 36, ठीक है। अब आप देखिए ये हमारा 4/48 का रेशियो 1/12 निकल के आ रहा था। अब देखिए 3/36 का रेशियो क्या निकल के आ रहा है, ये रफ है एक तरीके से समझ लीजिए। ये भी हमारा 1/12 ही निकल के आ रहा है, यानी कि सबका आंसर सबका रेशियो ऐसा निकल के आएगा कि अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 1/12 ही आएगा किसी भी कीमत पे। अगर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्वेश्चन दे रखा है और इस टाइप के हैं तो क्वेश्चंस, तो 1/12 ही आना चाहिए। मतलब सबका रेशियो सेम आना चाहिए तभी वो क्वेश्चन सही माना जाएगा, वरना नहीं। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है, इसका सेकंड पार्ट दे रखा है जो कि पूरा ऑलरेडी दे रखा है। तो थर्ड पार्ट मतलब थर्ड वाले की जो फिलअप है वो कंप्लीट करनी है। टाइम और हाइट का हमें रेशियो पता है 1/12 है, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हम एक्स मान लेते हैं। 1/84 हमने ये वाला जो थर्ड वाला पोर्शन है वो लिया है, वही हमें करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 12x इक्वल टू 84 बन जाए 84, एक्स इज इक्वल टू 84/12 और एक्स इज इक्वल टू 12 7 जाए 84। हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 87। तो देखिए आप इसका भी निकाल के देखिए रेशियो 7 7 7 7 2 14, तो 1/12 ही आया। इसका फोर्थ देखिए भाई, हमारा टाइम और हाइट का रेशियो लेंगे, यहाँ पर एक्स मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स बन जाए एक्स और 25 में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 25 2 50, 5 कैरी के 25 बन जाए 25 5 30, तो 25 12 जा 300। तो अगर हम यहाँ पे 300 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा आंसर, 25 बन जाए 25 25 12 जा 300, हमारा आंसर आ गया 300। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, मैं यहीं कर देती हूँ। टाइम और हमारा हाइट का रेशियो तो हमें पता है, और ये फिलअप की जगह हम एक्स मान लेंगे। 1/86 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा
12x इक्वल टू 1860, एक्स इजिकल टू 1860 अपॉन में 12, इसे कट कीजिए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12 सिक्स कैरी के 12 फाइव जा 60, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 155। अब यहाँ पर इसे कट करिएगा, 1/12 का ही रेशियो आएगा। तो हमने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हैं सबका रेशियो 1/12 आ रहा है। इसमें हमने इसको पहले लिया, इन दोनों टर्म्स को जो हमें फाइंड है हम पहले उसे अच्छे से लेंगे। हमेशा मैथ में ऐसा होता है जो फाइंड है उसको लेकर हम औरों को निकालते हैं। तो टाइम और हाइट का रेशियो हमें यहाँ फाइंड है 4/48। हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि हम आसानी से फिर आगे सारे टर्म्स को सॉल्व कर सकें। टाइम और हाइट का रेशियो हमारा ये रहा, हमने जब फर्स्ट वाला टर्म लिया तो टाइम और हाइट का रेशियो की जगह हमने 1/12 रख दिया और 3/ यहाँ पे जो फिलअप थी उसकी जगह एक्स रख दिया। सॉल्व करने के बाद हमारा 36 आया। ऐसे ही हमारे सारे सॉल्व हो गए। अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करा दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चन बताऊंगी। आप प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।